हेलो गाइस, तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव सिंघी में। छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव। तो ये मेरा रूम है शांति निकेतन होम स्टे में। बहुत ही बड़ा रूम है और इस रूम में मेरे को मिला है एक डबल बेड जिसमें कुशन पिलो दोनों अवेलेबल है, एक खिड़की है, वार्डरोब है, चेयर है, टेबल है और रूम में एसी डेफिनेटली अवेलेबल है। तो इस रूम में आपको ये फैसिलिटीज़ तो मिलेगा ही, और अगर आप लोग विंटर में आए तो वॉशरूम में आप लोगों को गीज़र भी मिलेगा। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट तो है ही, शावर भी है, गीज़र भी है और एक छोटा सा वॉश बेसिन भी है। तो ये है खिड़की, ये बैक साइड है लेकिन बैक साइड भी काफ़ी खूबसूरत है। खिड़की से आप झांकेंगे तो चारों तरफ आपको खेत ही खेत मिलेंगे। और ये जो खेत है ये इनका प्रॉपर्टी का नहीं है लेकिन दूसरा सामने का जो प्रॉपर्टी है उसका है। सामने जो पेड़ दिख रहा है आपको ये इस प्रॉपर्टी का है, शांति निकेतन होम स्टे वाला प्रॉपर्टी का पार्ट है। और इस खिड़की का जस्ट ऑपोजिट में आप लोगों को एक दूसरा खिड़की मिलेगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वाला खिड़की से आपको फ्रंटल व्यू मिलेगा जो कि बेटर टेरेस से दिखता है लेकिन आपको विंडो से भी एक अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा। तो ये है टेरेस। टेरेस में एक ऊपर का पार्ट है, मैं यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको एक कंप्लीट 180 डिग्री व्यू मिलेगा। अभी सनसेट हो रहा है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, माहौल एकदम बन चुका है। और जैसे ही यहाँ पर सनसेट होता है टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफ़ी डिप हो जाता है। सिंघी में आपको घूमने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगा। छोटा छोटा जगह है और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा जगह आपको मिलेगा जो कि हिस्टोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट है वो है काशीराम दास का घर। काशीराम दास का जो घर है काफ़ी डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है। उसमें आपको एक धाम मिलेगा जहाँ पर काशीराम दास का एक मूर्ति रखा हुआ है एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरिंग काशीराम दास हु इज़ द बंगाली पोएट जिसने महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा सुबह के टाइम पे सिंघी में एक हाट जो कि बाजार टाइप होता है वो बैठता है। और ये हाट में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारा यूनिक टाइप ऑफ स्वीट्स मिलेगा, बनते हुए देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट वेरी वेरी चीप प्राइसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइसेस आर चीप एंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो ये इस हाट का स्पेशलिटी है। सारा गांव का जो लोग है आप लोगों को इस हाट में दिखाई देगा इस टाइम ऑफ द डे में जो कि सुबह का टाइम होता है। काशीराम दास का घर और ये हाट शांति निकेतन होम स्टे से वॉकिंग डिस्टेंस में है। शांति निकेतन होम स्टे से निकलते ही फर्स्ट राइट लीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, एक टोटो का स्टैंड मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट लीजिए और आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे घूमने के लिए आप लोगों को मैं एक टोटो वाले का नंबर दूंगा जो आपको पूरा सिंघी गाँव, आसपास का गाँव और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है अच्छे तरीके से आप लोगों को घुमा देगा। मैं ये ट्रिप अपने खुद के स्कूटी में किया हूँ, इसलिए कोलकाता टू सिंघी मैं स्कूटी में आया हूँ। अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस मेरे को पड़ा 150 किलोमीटर्स, टाइम लगा है अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स। तो ये मैं जो घूमने का जो सीन है पूरा अपने स्कूटी में करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो यहाँ पे टोटो भी ले सकते हैं और खुद का गाड़ी से भी आ सकते हैं। डायरेक्शंस विद गूगल मैप का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंघी ग्राम से 12 किलोमीटर्स का डिस्टेंस में पड़ता है नूतन ग्राम, जिसे यहाँ का लोकल लोग बोलते हैं पैचार ग्राम। यहाँ पे वुडन हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी फेमस है,
यहाँ से आइटम्स डायरेक्ट कोलकाता तक भी आते हैं। एस्प्लेनेड रीजन में और हाथीबागान रीजन में यहाँ से प्रोडक्ट्स जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे इस टाइम पे एक फेस्टिवल हो रहा था, उसको मैंने कैप्चर किया है। छोटा छोटा वुडन आइटम्स यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ का लोकल जो आर्टिसंस है वो लोग ही बनाते हैं और वो लोग खुद यहाँ पे बेचते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत गांव है, 12 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम शांतिनिकेतन होमस्टे, अ मस्ट विजिट फॉर यू ऑल। टोटो से भी आ सकते हैं, खुद का स्कूटी से भी आ सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट, शिंगी में बेस्ट टाइम टू विजिट होगा विंटर्स में। यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है 5 डिग्री या 6 डिग्री, जो कि काफ़ी प्लेजेंट होता है घूमने के लिए। समर टाइम्स कैन बी अवॉइडेड, लेकिन सनसेट के बाद टेम्परेचर और वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं होगा। और शांतिनिकेतन होमस्टे में रूम्स भी एसी है, इसलिए रहने का तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत कभी होने नहीं वाला। और अभी आप लोगों को मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे रहने का खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 टाइप का रूम्स है। एक 1800 का छोटा रूम है जो कि है आपका फर्स्ट फ्लोर में, एक है जो मैं जिसमें रह रहा था 2000 रुपीज़ का, और एक 2100 रुपीज़ का रूम है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 2000 रुपीज़ का रूम लीजिए जिस रूम में मैं रह रहा था, और वहाँ से पूरा व्यू एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड ओपन मिल जाएगा। यहाँ पे खाना पीना भी रुपीज़ 900 फॉर नॉनवेज एंड रुपीज़ 700 फॉर वेज विद इन शांतिनिकेतन होमस्टे आप लोगों को मिल जाएगा। और खाने का क्वालिटी एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छा होता है, मॉर्निंग टी से लेके रात के डिनर तक काफ़ी अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी का खाना मिलता है। सब खाना ऑर्गेनिक एंड फ्रेश होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को खाने का खर्चा यहीं पे आ जाएगा, और खाना मैं बोलूँगा आप लोगों को शांतिनिकेतन होमस्टे से ही लीजिए। रहने का खर्चा आ जाएगा 2000 रुपीज़ पर डे, और घूमने का टोटो में अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 रुपीज़। ओवरऑल पकड़ लीजिए 4500 इंक्लूडिंग सम मिसलेनियस कॉस्ट्स, अगर आप लोग को यहाँ से लेना चाहे तो। ये ट्रिप आप लोग ज़रूर कीजिए। शिंगी ग्राम विच इज़ लोकेटेड इन पूर्व बर्धमान, नियरेस्ट सिटी और रेलवे स्टेशन इज़ कटवा, और आप लोग पाटुली में भी उतर सकते हैं जहाँ से टोटो लेके आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर, प्रत्यानिक दिस साइड साइनिंग ऑफ़।